आपने अपने डॉग को जो डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स होते हैं कि आपको डिवॉर्मिंग करनी है, वो सारे सिम्टम्स आपने उसको देख लिए हैं, एनालाइज कर लिए हैं। आपका डॉग मिट्टी वगैरह खा रहेगा, सीमेंट वगैरह खा रहेगा, दीवार चाट रहेगा या ऊटपटांग गंदगी खा रहेगा, उसके बाद आप डिवॉर्मिंग भी कर दिए, लेकिन क्या आपकी सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग हुई है? क्योंकि यदि आपकी सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग नहीं हुई है, मतलब कि आपका जो पैसा है, आपका समय है, आपकी सारी चीज़ें एकदम बर्बाद हो चुकी है, तो फिर आपको अपने डॉग के लिए सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, वो आज आप इस वीडियो में देखोगे। दोस्तों, एक सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग के लिए आपको दो चीजें काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। पहली चीज है कि आप कौन सी टैबलेट, कौन सी डिवॉर्मिंग की मेडिसिन अपने डॉग के लिए यूज कर रहे हैं, और दूसरी चीज होता है का टाइम। आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं, इसलिए मैंने आपको एक बोर्ड में समझाया है, तो आप पहले वो देख लीजिए। दोस्तों, सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग के लिए हमारी दो चीज़ें मैन रखती हैं। पहली चीज़ कि हम कौन सी डॉग को टैबलेट दे रहे हैं डिवॉर्मिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा मैन रहती है, और दूसरी चीज़ हम डॉग को किस टाइम पे दे रहे हैं वो टैबलेट। तो ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग के लिए मैन होती हैं। अब बात कर लेते हैं पहली कि डिवॉर्मिंग के लिए हमें अपने डॉग को कौन सी टैबलेट्स देनी चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की टैबलेट्स आती हैं, जिनमें से मैं आपको टॉप 5 टैबलेट के नाम बता रहा हूँ। नंबर 1 पे हम आप इस टैबलेट को रखते हैं जिसका नाम है इजी पैट। इजी पैट एक अच्छा ब्रांड है डिवॉर्मिंग के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोगों में, और इसका रिजल्ट भी लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि है हमारा डिफेंडर करके एक आता हैगा, डिफेंडर प्लस करके आता हैगा। डिफेंडर प्लस भी एक अच्छा डिवॉर्मिंग टैबलेट है, ये पपी और एडल्ट दोनों के लिए आता है। तीसरी चीज़ में एक अपनी फेमस डिवॉर्मिंग टैबलेट है कि वॉक करके आती है कि वो ज़्यादा फेमस हैगी, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता हैगा। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो एक डिवॉर्मिंग की टैबलेट आती है जो कि होती है हमारी ड्रोनटल प्लस। तो ड्रोनटल प्लस भी एक काफ़ी अच्छी डिवॉर्मिंग टैबलेट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पांचवें नंबर पर अलग हैगी जिसका नाम है स्काई वॉर्म करके आती हैगी, वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो अलग अलग टाइप के आते हैंगे, एक हमारे यहाँ पर पेट शॉप में मिलती है कि जो पास का पेट शॉप है वहाँ पर एक टैबलेट आती है जो कि मैं डब्बू को यूज़ करता था और उसका रिजल्ट भी मुझको काफ़ी अच्छा मिलता था, जिसका नाम था वॉर्म स्टॉप। तो वॉर्म स्टॉप उसका नाम था, ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देता रहा। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ये जितनी भी डिवॉर्मिंग टैबलेट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है, कि मार्केट में जो इसका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब कि 100-100 रुपए के आपको इसके पत्ते आते हैंगे। तो ये टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी रहती है कि, बट इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप इतनी महंगी टैबलेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पास के पेट शॉप में जाइए और वहाँ पर बोले कि मुझे डिवॉर्मिंग टैबलेट चाहिए, तो आपको वो 30 रुपए के हिसाब से दे देंगे, 30-30 रुपए के टैबलेट्स आती हैंगी तो आप वो दे देंगे। दोस्तों, सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग आपकी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि मान लीजिए कि हमें अपने डॉग को वेट के हिसाब से डिवॉर्मिंग की टैबलेट देनी है। हमारे डॉग का जो वेट है मान लीजिए वो 20 kg है, 20 kg का हमारा डॉग है, लेकिन हम उसको डिवॉर्मिंग की टैबलेट कितनी देती हैं? एक टैबलेट। हम सिर्फ एक टैबलेट देते हैं कि एक टैबलेट में उसका काम हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, मान लीजिए उसका 20 kg वेट है, कहता तो कानून यही है, रूल यही कहता है कि 20 kg वेट में आपको एक टैबलेट नहीं देनी है, दो टैबलेट देनी है, पर 10 kg वेट में आपको एक टैबलेट देनी है। तो 20 kg वेट में तो आपको 20 kg वेट में आपको दो टैबलेट देनी चाहिए, लेकिन आप उसको एक ही टैबलेट देते हो। तो जितना उसका वेट है उस हिसाब से ही आपको टैबलेट देनी है। जब आप उस हिसाब से टैबलेट दोगे तो आपकी सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग होएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिवॉर्मिंग के बाद जैसे हमने वो देख लिया टैबलेट, हमने ये टैबलेट आपको बता दी, इसके बाद आप देखो टाइम। डिवॉर्मिंग करने का एक समय होता है, सही समय होता है, तभी आपकी सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग होगी। वरना आप जो 200 रुपए की ये डिफेंडर प्लस 200 की आती है कि वो आप 240 रुपए का इसका पत्ता हैगा, इजी पैट 118 का पत्ता हैगा, ड्रोनटल प्लस काफ़ी ज़्यादा महंगी है, आप इतनी महंगी टैबलेट्स ले तो लोगे लेकिन उसका आपको यूज़ नहीं मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा दोस्तों। तो अब आपको देखना है टाइम कि आपको जो डिवॉर्मिंग करनी है वो किस समय करनी है। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखिए कि डिवॉर्मिंग आपको रात के समय करनी है कि नाइट के टाइम पे आपको डिवॉर्मिंग करनी है। रात के समय आपको डिवॉर्मिंग करनी है। रात के समय यदि आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो मैं श्योर हूँ दोस्तों कि आपको इसका 100% रिजल्ट मिलने वाला है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।
रात के समय डिवॉर्मिंग करने से होता क्या है, मान लीजिए कि हमने सुबह डिवॉर्मिंग करी, आपने सुबह डिवॉर्मिंग कर दी, आपने अपने डॉग को खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद आपने सीधे उसको एक टैबलेट दे दी, खाना खाने के बाद आपने जो टैबलेट दी उसके बाद आपका डॉग मान लीजिए छत पे आ गया, वो वहाँ पर जाकर उसने घास खा ली है या कुछ भी ऊटपटांग चीज़ खा ली है, किसी ने उसको खाना दे दिया दोबारा तो उसने खाना खा लिया, क्या है डिवॉर्मिंग टैबलेट खाने के बाद डॉग का जो पेट है या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डॉग को एटलीस्ट 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। रात टाइम पर जितना हो सके डिवॉर्मिंग टैबलेट दीजिए, आपने रात को उसको खाना दिया तो रात के खाने के बाद आप उसको डिवॉर्मिंग टैबलेट दे दीजिए, उसके बाद क्योंकि रात हो गई है तो आपका डॉग सीधी सी बात है उसने खाना खाया, आपने उसको टैबलेट खिला दी और सीधा वो अपने बिस्तर पर चला गया और वो सो गया, उसके बाद डिवॉर्मिंग टैबलेट उसके पेट में गई है, ना ही वो ऊपर से कुछ खा रहा है ना पी रहा है ना ही यहाँ वहाँ की गंदगी कुछ कर रहा है, तो चुपचाप वो बैठा हुआ है, तो जो डिवॉर्मिंग टैबलेट है वो अपना पूरा यूज दिखाएगी, उसको पूरा टाइम मिला हैगा, पर्टिकुलर टाइम मिला हैगा कि वो अपना यूज कर सकती हैगी। तो बात यही है कि आपको अपने डॉग को जो डिवॉर्मिंग टैबलेट है वो हमेशा नाइट में देनी है, आप मेरी बात ध्यान में रखिएगा, यदि आप नाइट में देंगे तो 100% आपकी डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल होगी, सवेरे आपको डिवॉर्मिंग टैबलेट कभी भी नहीं देनी है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप, आपको डिवॉर्मिंग एक अच्छे ब्रांड की टैबलेट लेनी है, ठीक है, यदि आपने अच्छी टैबलेट ले ली तो आपका फर्स्ट काम यही कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़ सही टाइम पर देनी है, आपको हमेशा डिवॉर्मिंग टैबलेट नाइट में देनी है, नाइट में आपको 100% उसकी डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, सवेरे आपको किसी भी हालत में डिवॉर्मिंग टैबलेट नहीं देनी है, ठीक है, दो चीज़ आपको करना है टैबलेट, आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी आपकी डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप डिवॉर्मिंग से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं बचा होगा, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारी कमेंट का आंसर दूंगा आपका डाउट, वहाँ पर जो भी आपका थोड़ा बहुत डाउट बचा है वो मैं वहीं पर क्लियर कर दूंगा, तो प्लीज़ हो सके तो आप कमेंट जरूर से करिएगा। दोस्तों और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी और हो सकता है कि आपके डाउट वहीं की वहीं क्लियर हो जाएं।